ऑल ऑफ यू हाउ आर यू जी कैसे हैं सब कैरियर से हैं आ, सब सबके सब आज टाइम पर मौजूद हैं बल्कि टाइम से भी पहले मौजूद हैं बहुत अच्छी बात है शुक्र है कि आपने इस चीज को फॉलो किया नाओ ये बताइए कि सबसे पहले तो ये बता दें सब तक आवाज पहुंच रही है जरा एक बार यस लिख दें चैट बॉक्स में तो फिर हम जरा अपने लेक्चर का आगाज करते हैं और कुछ सीखने सिखाने की बात करते हैं आज मजीद जी जनाब ना आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू ओके दैट्स गुड तो कहाँ पर थे हम लास्ट टाइम हमारी बात कहाँ तक पहुंची थी रिमाइंड करवाएंगे उसके बाद से हम इसको स्टार्ट करते हैं जी बच्चों इंट एलेवन ठीक है सही है सिक्स पॉइंट अलेवन थी और ये क्वेश्चन हमने किया था सिक्सटीन सेवनटीन आपको होमवर्क दिया था बिल्कुल रुखसार है सही है तो सेवनटीन कर लिया आप लोगों ने जी बेटा सेवनटीन कर लिया आप लोगों ने सब ने कर लिया है अगर सब ने सेवनटीन कर लिया है तो यस कर दें ओके ठीक है बेटा तो अब हम आते हैं एटीन पर क्वेश्चन नंबर एटीन और कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो पूछ लिया करें भाई वरना यह है कि अच्छी बात है अगर आपने कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर एटीन हम करने जा रहे हैं और इसमें हमसे कहा जा रहा है कुछ इस तरह से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस टू वाई कॉस एक्ट वाई कॉस एक्स और वाई इक्वल टू पाए वेन एक्स इक्वल टू जीरो ठीक है अच्छा अब इसमें आपको पता है क्या करना क्या है कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम ये याद भी है या भूल गए हम सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को और डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमने इन इक्वेशंस में से डी वाई अपॉन डी एक्स को रिमूव करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब कि उस इक्वेशन में से डी वाई अपॉन डी एक्स को रिमूव कर दिया जाए तो आइए जरा रिमूव करते हैं आपके साथ मिलकर सबसे पहले इस क्वेश्चन को कॉपी करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉसक टू वाई कॉस एक्स अब देखें एक्स वाले हम एक तरफ करेंगे वाई वाले एक तरफ करेंगे तो ये डी वाई ऐसे ही रहा कॉसक टू वाई मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड होगा कॉसैक् टू वाई इधर मौजूद है कॉस एक्स डीएक्स इधर आके मल्टीप्लाई होगा ठीक है ये डीएक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो गया अच्छा अब दोनों साइड्स पर क्योंकि हमने अब आ, एक्स वालों को और वाई वालों को बेटा अलग अलग कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे दोनों साइड पर इंटीग्रल का साइन लेंगे क्या लिखेंगे यहां पर टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स ठीक है दोनों साइड्स पर इंटीग्रल लेंगे इंटीग्रल वाई अपॉन कॉसेक्टू वाई Equal to integral टू इंटीग्रल dx. ठीक है अच्छा बेटा रिड्यूस सिलेबस की जहां तक बात है अभी एक सवाल आया है मेरी मेरे साहब ने मैंने चैट में देखा है कि सर वैसे रिड्यूस सिलेबस में 6.10 और 6.11 नहीं है बेटा हम रिड्यूस सिलेबस को फॉलो ही नहीं कर रहे ठीक है. है हमने आपको 2.3 भी पढ़ाई Uh, वो एक्सरसाइज भी पढ़ाई जो रिड्यूस सिलेबस में नहीं है ठीक है और वो इसलिए कि आपने इस साल जो एग्जाम देना है मोस्ट प्रोबेबली वो एम सी क्यूज बेस हो ठीक है पहली चीज दूसरी चीज आगे आपने एप्टीट्यूड टेस्ट देना है अब आपने यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है तो यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको जो एप्टीट्यूड टेस्ट देना है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बेटा आपको तमाम चीजें करनी पड़ती हैं चाहे वो आपके इंटर के पेपर में आई हो या ना आई हो तो वहां पर रिड्यूस सिलेबस का कोई सिस्टम नहीं है ठीक है वहां पर आपको बहुत से क्वेश्चंस आपके पास फेडरल बोर्ड से भी आ रहे होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं ठीक है थीके? पंजाब बोर्ड से आ रहे होते हैं तो वहां पर फिर ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सी चीज रिड्यूस में थी और कौन सी नहीं थी तो पढ़ाने का मकसद आपको यही है कि आगे के लिए प्रिपेयर करना है ठीक है इस तरह से अगर हम चीजें जो है वो लेफ्ट करवा देते हैं और पेपर में आ जाती हैं अब चले पेपर में नहीं भी आई और आगे फिर आप क्या करेंगे यूनिवर्सिटी में क्या करेंगे आप क्योंकि इंटीग्रेशन का टॉपिक बेटा वो टॉपिक है कि जो आगे भी आपको लाइफ में काम आने वाला है दैट्स वाई ये मकसद है पढ़ाने का और अच्छी चीज है अगर आप ये सीख लें और एंड टाइम पर अगर बोर्ड ने कह दिया नहीं भाई हम इसको तो फॉलो ही नहीं कर रहे हम ठीक है यहाँ पे तो कुछ नहीं पता ना मिनटों में फैसले होते हैं सॉरी टू से तो अगर ये एंड टाइम पर बिल्कुल एट द चीजें चेंज कर दी कि नहीं जी ये भी इंक्लूडेड है तो फिर हम क्या करेंगे सही है तो तमाम चीजें हमें लेकर चलनी है अच्छे तरीके से बहरहाल अब बताएं यहाँ पर क्या करेंगे ये वन अपॉन कॉशेक्ट लिखा हुआ है वन अपॉन कॉशेक्ट किसके बराबर होता है जल्दी जल्दी जवाब देंगे सब एक्टिव रहेंगे साइन के बराबर तो हम वन अपॉन टू वाई की जगह लिख देंगे साइन टू वाई और ये डी वाई इक्वल टू और इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स सही है जी अच्छा अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे हम तो हम यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग साइन डब्बे का इंटीग्रल किसके बराबर है साइन डब्बे का इंटीग्रल किसके बराबर है साइन डब्बे का इंटीग्रल बिल्कुल आपने सही बताया माइनस कॉस डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव हम यहाँ लिखेंगे माइनस डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव डब्बे में क्या है टू वाय टू वाई का डेरिवेटिव टू टू वाई का डेरिवेटिव आ गया टू बेटा ठीक है इक्वल टू कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा कॉस डब्बे का इंटीग्रल होता है साइन डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव डब्बे में क्या है एक्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिए से वन लिखने की जरूरत नहीं है प्लस का सी ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर वन अब हम क्या निकालेंगे सी की वैल्यू निकालेंगे निकालेंगे ना हमें वाई और एक्स दिया हुआ है इसलिए दिया हुआ है कि सी निकालें तो हम यहां पर लिखते हैं फॉर सी सी की वैल्यू अब हम फाइंड करने लगे हैं और सी की वैल्यू के लिए हम लिखेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू पाए इन इक्वेशन नंबर वन अब इक्वेशन नंबर वन जो है वो क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर वन देख लेते हैं माइनस कॉस टू वाई अपॉन टू माइनस कॉस टू वाई अपॉन टू वाई क्या है पाए अपॉन टू इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी क्वल टू साइन एक्स प्लस सी एक्स की जगह जीरो प्लस सी अच्छा माइनस मतलब होता है 360. तो 360 की वैल्यू क्या है बताएं कॉस थ्री सिक्सटी की वैल्यू वन है बिल्कुल कॉस थ्री सिक्सटी की जगह वन आ गया माइनस अपनी जगह रहा अपॉन टू इक्वल टू साइन जीरो दुनिया जानती है साइन जीरो बराबर होता है जीरो के प्लस का सी बेटा जीरो को इग्नोर करेंगे तो इसका मतलब है सी कितना आ गया आपके पास माइनस वन अपॉइंट टू आ गया अब ये जो सी की वैल्यू आई है इसको उठा के इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो यू लिखेंगे इक्वेशन वन बिकम्स अब इक्वेशन वन क्या हो जाएगी आपके पास माइनस कॉस टू वाई अपॉइंट टू साइन एक्स प्लस सी साइन एक्स प्लस सी तो सी की जगह आपके पास आएगा माइनस हाफ माइनस वन अपॉइंट टू ठीक है अच्छा एक छोटा सा काम और कर सकते हैं यहां पर एंड में कोई सजेस्ट करेगा क्या कर सकते हैं मेरा दिल चाह रहा है वो काम करने को क्या हो सकता है यहां पर यस, क्या कर सकते हैं मजीद 2 से 2 अचानक तो कट नहीं कर सकते बेटा एलसीएम लेकर कट करेंगे ऐसा ही है ना ये वाला 2 से 2 से अचानक कट नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके साथ माइनस हो रहा है तो पहले एलसीएम लेंगे -cos 2y 2 इसके नीचे 1 <coughs> सॉरी इसके नीचे 2 है 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 साइन x से होगा 2 sin x 1 1 1 अब कट कर सकते हैं ये 2 से 2 कैंसिल तो बच रहा है माइनस कॉस टू वायल टू टू साइन एक्स माइनस वन ठीक है चाहे तो पूरी क्वेश्चन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें सबके साइन चेंज हो जाएंगे उससे ये होगा कि जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है ना वो पॉजिटिव हो जाएगी ठीक है तो जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कॉस टू वाई हो जाएगा जब इसको माइनस से करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस टू साइन एक्स और जब इसको माइनस से करवाएंगे तो ये प्लस का वन हो जाएगा ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था बेटा हमने सक्सेसफुली इसको सॉल्व कर लिया है और हमारे पास से अब डीवाई अपॉन डी एक्स जो है वो इसमें से रिमूव हो चुका है तो आई होप के बात क्लियर हो गई होगी आपको स्टार्ट से देख लो बेटा कैप्चर करना है कैप्चर करो और कोई सवाल है तो बिल्कुल फ्रीली पूछो फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हम करने जा रहे हैं जी बच्चों नेक्स्ट पेज नेक्स्ट अच्छा ऑनेस्टली एक क्वेश्चन uh, का आंसर देंगे आप लोग पहले बताएं देंगे सच सच बताएंगे जो मैं पूछूंगा हाँ सच बोलना है कहते हैं ना मैं जो कहूंगा सच कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा तो वो वाली सिचुएशन है यहां पर अगर सब कहते हैं कि ऑनेस्टली बताएंगे तो फिर मैं वो सवाल पूछूंगा वरना छोड़े फिर क्या ख्याल है जैसा लिशबा अकबर क्या कह रही है बेटा भाई सवाल ये है कि अब तक इंटीग्रेशन की जितनी एक्सरसाइजेस हुई हैं जितनी इंटीग्रेशन पड़ी है क्या आपने सबकी तैयारी कर ली है सबकी प्रैक्टिस कर ली है अच्छा 6.7 तक कर लिया ठीक है, है बस ऑनेस्टली जवाब देना है कहां तक कर लिया ये बताएं चले कहां तक कर लिया है? टेस्ट हो गया क्या टेस्ट आ जा ना अच्छा अच्छा हाँ यानी आज अच्छा जबी इतनी एनर्जी आई हुई है क्लास में सारे प्रेजेंट हैं डर डर के है ना ओहो अब समझ में आई मेरी सही है सही है सही है बड़ी मोटिवेशन की जरूरत है आपको तो आज टेस्ट तो मैंने ऐसा बनाया है तगड़ा कि बस समझे कि सारे रंग दे दिए मैंने उसमें आपको उसमें चटनी का जायका भी आएगा आपको उसमें दही का जायका भी आएगा सारे फ्लेवर मिलाए मैंने नहीं नहीं मैं डरा नहीं रहा मैं तो आपको फ्लेवर दिखा रहा हूँ जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं आपको मेन्यू दिया जाता है भाई जिंगर बर्गर भी है ये बर्गर भी है वो बर्गर भी है हर तरह के होते हैं ना तो वेराइटी सारी डाली है मैंने उसके अंदर माशा से तो बस सोच समझ के दीजिएगा टेस्ट ठीक है और जज्बाती नहीं होना है आपने किसी सवाल में एम में अच्छा बुक में से तो एक चीज भी नहीं दी मैंने सही है बुक में से तो कुछ नज़र ही नहीं आएगा आपको उसमें सारे सवाल मेरे बनाए हुए ठीक है और बड़ी मेहनत से बनाया है मैंने वो कई घंटे लगा के ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप उतनी ही मेहनत करें फिर आइंदा से आने वाले टेस्ट में भी तीन एक्सरसाइज है लेकिन तीन एक्सरसाइज काफी होती है धमाल करने के लिए कॉन्सेप्ट के मुताबिक दिया है कॉन्सेप्ट जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है ना बेटा उससे कोई चीज हटके हो ही नहीं सकती ठीक है लेकिन कैलेबर का होगा इनशाला आपको मजा आएगा सॉल्व करने में और जितनी मेहनत से बनाया गया है वो उम्मीद है कि उतनी मेहनत से तैयारी करके आप देंगे भी आज उसको ठीक है तो बेस्ट ऑफ लक आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ना में बड़ा अच्छा लग रहा है देखते हैं सॉल्व करने में कैसा होगा अच्छा बैक कर दू चलो देख लो एक दफा जल्दी 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 सेकेंड लास्ट भी दिखाऊं, बच्चे देखी नहीं थी आपने क्या जब से चलो देख लो जल्दी से चलो ठीक है ठीक है आते हैं भाई हम अपने क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन जिसमें कह रहे हैं डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू रूट एस प्लस वन रूट थ्री टी प्लस वन एस इक्वल टू थ्री वैन टी इक्वल टू फाइव ठीक है चलो भाई सवाल उतारते हैं एक दफा डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू रूट एस प्लस वन रूट थ्री टी प्लस वन अरेंज कर देंगे सवाल के शुरू में ऐलान कर देंगे भाई एस वाले एक तरफ हो जाए टी वाले एक तरफ हो जाए डीएस ये रूट एस प्लस वन डिवाइड में आएगा मल्टीप्लाई से और ये डी टी उधर जाएगा तो रूट थ्री टी प्लस वन डीएस डी टी डी डी टी डी टी अच्छा जनाब आप क्या करें दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड दोनों तरफ इंटीग्रल डीएस अपन रूट एस प्लस वन इक्वल टू इंटीग्रल रूट थ्री टी प्लस वन और डी टी आप क्या कह रहे हैं बताएं। इंटरेक्शन कायम रखा करें चैट बॉक्स में ठीक है ये आपके आंसर्स मुझे जिंदगी देते हैं जल्दी 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 क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा फास्ट हाँ हाँ बिल्कुल 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 डीएस अपॉन ये रूट हटा के पावर हाफ लगाएंगे एस प्लस वन की पावर हाफ सही है इक्वल टू इंटीग्रल ये रूट हटके पावर लगेगी हाफ थ्री टी प्लस वन की पावर हाफ डी टी अब बच्चों हमने तो ये पढ़ा है कि अगर पावर वन हो नीचे तो उसे ऊपर लेकर नहीं जाते भाई वन के अलावा तो ले जाते हैं तो पावर हाफ है ना ये ले जाएंगे इसको ऊपर ये एस प्लस वन की पावर ऊपर जाके हो जाएगी माइनस हाफ डी एस और ये अपनी जगह ऐसे ही थ्री टी प्लस वन की पावर हाफ डी टी बच्चों आप बताओ इनको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होगा किस तरह इनको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स पर जो इंटीग्रल में वैल्यू लिखी हुई है पावर में प्लस वन कर देंगे डायरेक्ट कुछ देखेंगे उससे पहले चेक करेंगे होल पावर के अंडर वाले का डेरिवेटिव देखेंगे तो एस प्लस वन का डेरिवेटिव वन आ रहा है वन हर जगह मौजूद होता है तो इसलिए पावर में प्लस वन प्लस वन कर देंगे थ्री टी प्लस का जो डेरिवेटिव आएगा यहां पर थ्री टी प्लस का डेरिवेटिव आएगा बेटा थ्री और यहां थ्री मौजूद नहीं है यहां डेरिवेटिव नहीं मिल रहा थ्री मौजूद नहीं है तो क्या करना पड़ेगा हमें थ्री से मल्टीप्लाई थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा ऐसा ये तो थ्री से मल्टीप्लाई थ्री से डिवाइड करेंगे तो डेरिवेटिव मिलने लगेगा फिर पावर में प्लस वन प्लस वन करेंगे इसलिए मैंने आपसे कहा है डोंट गेट इमोशनल ठीक एकदम जज्बाती नहीं हुआ करें पहले देखा करें हम चेक करेंगे पहले डेरिवेटिव चेक करेंगे अगर डेरिवेटिव मिल रहा होगा तो पावर में प्लस वन प्लस वन करेंगे तो अभी फिलहाल मैं लेफ्ट वाले को भी ऐसे ही छोड़ता हूं एस प्लस वन की पावर माइनस हाफ डी एस जनाब आगे बढ़ते हैं इंटीग्रल यहां पर थ्री की कमी थी तो थ्री से मल्टीप्लाई और थ्री से डिवाइड कर रहे हैं ये थ्री से डिवाइड किया और ये थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया थ्री टी प्लस वन की पावर हाफ है और डी टी क्या अब हम रेडी हैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए इज यस ओके इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग

नीचे वन माइनस हाफ हाफ के बराबर इक्वल टू वन अपॉन थ्री और ये थ्री टी प्लस की पावर हाफ प्लस वन, थ्री अपॉन टू के बराबर और नीचे थ्री अपॉन टू प्लस का सी ठीक है एस प्लस वन की पावर हाफ हाफ किसके बराबर होता है रुझ के बराबर बेटा तो ये हाफ हटा के हम दोबारा रूट लगा सकते हैं रूट एस प्लस वन ठीक है नीचे डिवाइडेड बाय वन पॉइंट टू है इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा two के बराबर थ्री थ्री अपॉइंट टू डिवाइड को था पर आगे टू अपॉइंट थ्री बन गया भाई और ये थ्री टी प्लस वन की पावर ऐसी टू रूट एस प्लस वन इक्वल टू टू वन जू अपॉन थ्री थ्री जन और जनाब यहां पे आपके पास ये थ्री टी प्लस वन की पावर थ्री अपॉन टू प्लस सी ये हो गई क्वेश्चन नंबर वन ठीक है सवाल खत्म हो गया या कुछ करेंगे आप अच्छा जी तो क्या करना है हमें अब मजीद एग्जैक्टली exactly सी की वैल्यू निकालेंगे हमेशा की तरह तो सी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं आइए जरा देखते हैं इसके अंदर आपके पास वैल्यू जरा रूट वगैरह में आई है तो डरने की जरूरत नहीं है आ, बिल्कुल बिल्कुल टू से टू कैंसिल होगा बेटर है बेटा वो हम आगे कैंसिल करें जब हम सी निकाल लें फॉर सी फॉर सी पुटिंग एक्स इक्वल टू क्या है एक्स सॉरी एक्स नहीं है यहां पर एस और टी है एस और टी है तो एस थ्री है टी फाइव है एस थ्री एंड टी फाइव इन इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन वन में एस थ्री और टी फाइव पुट कर रहे हैं तो आइए पुट करते हैं टू अंडर रूट एस प्लस वन है टू अंडर रूट एस प्लस वन एस की जगह थ्री थ्री प्लस वन इक्वल टू टू अपॉन नाइन टू अपॉन नाइन थ्री टी प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टी प्लस वन ठीक है और पावर लगी हुई है थ्री अपॉन टू प्लस का सी आई सॉल्व करते हैं टू रूट बेटा थ्री प्लस वन फोर हो गया टू अपॉन नाइन पर आप देखो तो थ्री फाइव तो किसके, किसके बराबर होता है आपको पता है फोर का स्क्वायर होता है फोर का स्क्वायर लिख दिया इसको और बाहर लगा हुआ है थ्री अपॉइंट टू प्लस सी ये क्यों किया मैंने ताकि टू कैंसिल हो जाए ठीक है टू टू या फोर इक्वल टू टू अपॉन नाइन अब देखें फोर के ऊपर क्यूब बचा है फोर का क्यूब किसके बराबर होता है 64, 64 के बराबर, प्लस का C, क्या बचा है क्या रिमेनिंग है फोर इक्वल टू टू को सिक्सटी फोर से मल्टीप्लाई करें वन ट्वेंटी एट अपॉन नाइन प्लस का सी ठीक है सी निकालना है अब तो क्या करेंगे ये आपके पास प्लस का 128 ट्वेंटी एट अपॉन नाइन है उठकर लेफ्ट पर जाएगा माइनस का हो जाएगा फोर माइनस वन ट्वेंटी करेंगे थर्टी सिक्स माइनस कर हैं क्या होगा 92 टू माइनस नाइनटी टू अपॉन नाइन वेरीफाई कर ले यही आंसर है सी का माइनस नाइनटी टू अपॉन नाइन ठीक है ओके अब इसको इक्वेशन वन में पुट करेंगे लिख देंगे नाउ इक्वेशन वन बिकम्स देखते हैं इक्वेशन वन में पुट करके क्या हमारे पास रिजल्ट आता है बेटा टू अंडर रूट एस प्लस वन टू अंडर रूट एस प्लस वन इक्वल टू टू अपॉन नाइन टू अपॉन नाइन थ्री टी प्लस थ्री अपॉइंट टू थ्री टी प्लस वन की पावर थ्री अपॉइंट टू और सी की जगह बेटा माइनस क्या आएगा नाइन टी टू अपॉन नाइन अच्छा अब ये मजीद सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता ये बताओ हो सकता है पता है कैसे हो सकता है एक छोटा सा काम करना है हमने इसमें टू अभी मुझसे एक बात की गई सर टू से टू काटने की तो मैं तो यह कर रहा हूं बाकी आप लोगों के जहन में जो आ रहा है वो आप लिख दें देखो बेटा ये पूरी एक एक्ट्रम है इसके अंदर टू है ये पूरी एक एक्ट्रम है इसमें भी टू है पता है ना आपको फोर्टी सिक्स टू नाइन टू होता है तो हम टू कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से निकाल सकते हैं ऊपर से टू कॉमन निकालेंगे और नीचे दोनों के नाइन है तो नाइन कॉमन आ जाएगा तो टू अपॉन नाइन कॉमन आ गया अंदर क्या बचा थ्री टी प्लस वन की पावर थ्री अपॉन टू टू माइनस से 2 आ चुका है, तो क्या बचेगा फाइनली फोर्टी सिक्स और नाइन हम निकाल चुके हैं बाहर अब इससे फायदा ये हुआ कि इधर भी टू है इधर भी टू है यह टू से टू कैंसिल हो गया बचा रूट एस प्लस वन इक्वल टू वन अपॉइन्ट नाइन और थ्री टी प्लस वन की पावर थ्री अपॉन टू माइनस का फोर्टी सिक्स एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर इज इट क्लियर स्टार्ट से देख लें सही है Done.

Next. नेक्स्ट ये लीजिए लास्ट स्लाइड अच्छा जी तो अभी हमने किया है नाइनटीन ट्वेंटी आप कीजिएगा ठीक है ट्वेंटी आपने करना है खुद जी बेटा बिल्कुल सी माइनस नाइनटी टू आया है माइनस नाइनटी टू अपॉन नाइन ये रहा अपॉन नाइन क्यों नहीं आएगा आएगा पॉन नाइन आएगा बेटा क्यों नहीं आएगा नाइन ठीक है अच्छा ये देख लो आ, अच्छा मैंने कहा कि आपने ट्वेंटी करना है नाइनटीन मैंने करवाया ट्वेंटी इसके जैसा ये सिमिलर है बस उसमें दो वैल्यू आ रही है पॉन में भी एक उसको एक तरफ कर लेना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ट्वेंटी वन पे अब हम आएंगे अगर आप कहें तो यहां तक कोई सवाल नहीं है तो ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट वन प्लस कॉस वाई अपॉन साइन वाय वाई थ्री इक्वल टू पाए बाय टू सोल्यूशन जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में बेटा आर रूट थ्री और एस इलेवन है ऐसा ही है अच्छा इसमें भी आपको देखें वो दूसरे वाले अंदाज से दिया हुआ है वैल्यूज़ जो दी हुई है यहां पर यानी कि इसका मतलब क्या है पाए टू है और एक्स आपके पास थ्री है ठीक है ना तो इसको मैं कॉपी करता हूं एक दफा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस कॉस अपॉन साइन वाई, अच्छा जी अब एक्स वाले और वाई वाले एक तरफ कर लेते हैं एक्स वाले और वाई वाई एक तरफ ये दोनों वाई वाले हैं वन प्लस कॉस वाई और साइन वाई दोनों वाई वाले हैं ठीक है तो दोनों को इधर आना होगा साइन वाई इधर आएगा बेटा तो हो जाएगा साइन वाई डी वाई और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा इधर तो हो जाएगा रूट वन प्लस कॉस वाई ठीक है और डीएक्स उधर चला जाएगा डीएक्स अकेला रहेगा ये बात समझ में आई सबको ठीक है हमने क्या किया है हमने y वाले उठाकर एक तरफ कर दिए एक्स वाले एक तरफ कर दिए अच्छा आप देखो यहां पर नीचे आपके पास जो वैल्यू है रूट रूट में इसका रूट हटा के पावर हाफ लगाएंगे लेकिन उससे पहले हम दोनों साइड पर इंटीग्रल ले रहे हैं तो टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स पर इंटीग्रल लेंगे इंटीग्रल साइन वाई डी वाई साइन वाई डी वाई अपॉन रूट वन प्लस कॉस वाई रूट वन प्लस कॉस वाई इक्वल टू इंटीग्रल डीएक्स इंटीग्रल डीएक्स ठीक है चले अब बताएं क्या करेंगे कैसे इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट वाली वैल्यू को लेफ्ट पर जो वैल्यू है उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे एग्जैक्टली exactly सबसे पहले तो उसका रूट हटाएंगे पावर हाफ लगाएंगे इंटीग्रल साइन वाई डी वाई अपॉन इसका रूट हटाएंगे तो वन प्लस कॉस वाई पावर वन अपॉइंट टू इक्वल टू इंटीगरल डी अब इसको ऊपर ले आते हैं बेटा इसको जब ऊपर लाएंगे तो ये कुछ यूं शक्ल इख्तियार कर जाएगा ये साइन वाई ऐसे ही मौजूद है बेटा ये वाली वैल्यू उठकर ऊपर आ रही है तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा यानी वन प्लस कॉस वाई की पावर क्या हो जाएगी माइनस हाफ और डी ठीक है इक्वल टू फिर इंटीग्रल डीएक्स अब जरा मुझे बताएं अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा अब एक वैल्यू के ऊपर पावर लगी हुई है और दूसरी वैल्यू ऐसी लिखी हुई है क्या होगा तरीका जी बिल्कुल पावर को छुपाएंगे और अंडर पावर का डेरिवेटिव लेंगे अंडर पावर का डेरिवेटिव क्या है यहां पर वन प्लस माइनस साइन वाई आएगा क्या बराबर में माइनस साइन वाई मौजूद है क्या बराबर माइनस साइन वाई मौजूद है या नहीं बिल्कुल माइनस साइन वाई मौजूद नहीं है तो क्या करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए एक माइनस बाहर लिखेंगे और एक माइनस अंदर लिखेंगे ऐसे ही करते थे ना माइनस माइनस प्लस होता है देखें वन प्लस की पावर माइनस हाफ डी वाई इंटीग्रल डी एक्स सही है अब मुझे बताएं क्या इसका जो डेरिवेटिव है अंडर पावर का वो बराबर में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है हमने साइन से बैलेंस कर दिया है इसको बाहर भी माइनस और अंदर भी माइनस लगा के ठीक है तो अंडर पावर का अंडर पावर वाले का जो डेरिवेटिव है वो बराबर में मिल रहा है तो अगर अंडर पावर वाले का डेरिवेटिव बराबर में मिल रहा हो तो क्या करते हैं बिल्कुल तो यहां पर हम यही करेंगे इसको जब इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग ये माइनस ऐसे ही रहेगा भार वाला इसकी पावर में प्लस वन प्लस वन करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस वाई की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन इक्वल टू ये डी एक्स का इंटीग्रल एक्स के बराबर ठीक है ऐसा ही है अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा ये माइनस हमारे पास ऐसे ही चलता रहेगा वन प्लस कॉस वाई ऐसे ही रहा वन प्लस कॉस वाई की पावर क्या हो जाएगी ये बताइए वन प्लस कॉस वाई की पावर वन में से हाफ माइनस करेंगे क्या बचेगा हाफ अपॉन वन में से हाफ माइनस करेंगे क्या बचेगा हाफ इक्वल टू और राइट right पर आपके पास बचा हुआ है एक्स राइट right पर है एक्स आपके पास और प्लस का सी ठीक है प्लस का सी नहीं लगाया था साइन के साथ माइनस हाँ क्या हुआ साइन वाई के साथ माइनस लगाया था हमने बिल्कुल लगाया था अंदर भी माइनस हो बाहर भी माइनस हो ताकि माइनस से माइनस जो है वो बैलेंस हो जाए इसलिए लगाया था डेरिवेटिव बनाने के लिए बोले कंफ्यूजन इसमें कोई ओके okay. अच्छा जी ये माइनस ऐसे ही रहेगा वन प्लस कॉस वाई की पावर हाफ हाफ बराबर होता है रूट के तो रूट वन प्लस कॉस वाई डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वन अपॉइंट टू है ये टू बन जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस सी ठीक है अच्छा अब ये हमारे पास इक्वेशन वन हो गई है अब हमने सी की वैल्यू निकालनी है तो हम यहां पर लिखेंगे फॉर सी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू एक्स क्या है हमारे पास एक्स थ्री है वाई पाए बाय टू है एक्स इक्वल टू थ्री एंड वाई इक्वल टू पाए बाय टू इन इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन वन में ये दोनों वैल्यूज पुट कर रहे हैं माइनस टू ऐसे ही रहेगा माइनस टू रूट वन प्लस कॉस वाई वाई की जगह क्या आएगा पाए बाय टू पाए बाय टू इक्वल टू एक्स प्लस सी एक्स की जगह आएगा थ्री थ्री प्लस सी माइनस टू अंडर रूट वन प्लस किसके बराबर होता है बिल्कुल कॉस जीरो वन के बराबर होता है लेकिन कॉस नाइनटी जीरो होता है इक्वल टू थ्री प्लस सी माइनस टू रूट वन बचेगा इक्वल टू थ्री प्लस सी वन का रूट किसके बराबर होता है वन के बराबर और वन माइनस टू से होगा तो माइनस टू आएगा इक्वल टू थ्री प्लस सी प्लस का थ्री इधर आएगा तो माइनस थ्री होगा तो बेटा इस तरह से सी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी माइनस का फाइव माइनस का फाइव ठीक है तो सी आपके पास हो गया माइनस का फाइव नाउ इक्वेशन नंबर वन बिकम्स अब इक्वेशन वन क्या हो जाएगी नाउ इक्वेशन वन बिकम्स इक्वेशन वन आपके पास हो जाएगी ये जाएगीवेशन वन माइनस टू अंडर रूट वन प्लस टू अंडर रूट वन प्लस सी तो हम यहां पर लिखेंगे एक्स प्लस सी सी की जगह माइनस फाइव ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई बेटा समझ में आई बात जरा सब बता दें एक दफा अगर कोई इशू है तो नेक्स्ट स्लाइड कॉपी करने के लिए देखते भी जाएं और इसमें कोई सवाल है तो वो भी करते जाएं Next, <laughs> and next. नेक्स्ट एंड लास्ट अच्छा जी तो सब क्लियर है यहां तक क्लियर है ओके तो ये था 21 क्वेश्चन अब 21 के बाद जरा ट्वेंटी 22... झलक देखें कि 22 में किस तरह से आपको uh, दिया जा रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 22 भी थोड़ा थोड़ा अंदाज चेंज है सब में मेथड आप देखें वही है 22 टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई फोर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस वन वाई माइनस थ्री इक्वल टू वन ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन है ठीक है चले अब मैं क्वेश्चन उतारता हूं एक दफा वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई फोर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस वन कुछ चेंज लग रहा है आपको या उसके जैसा ही लग रहा है हाँ भाई कुछ डिफरेंस है इसमें x की वैल्यू क्वाड्रेटिक है नहीं x की वैल्यू क्वाड्रेटिक है समझा नहीं मैं y का जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें जरा क्वाड्रेटिक का लुक आ रहा है यहां पे यह समझने वाली बात है बिल्कुल वाई फोर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस वन इसको हम देखेंगे ये जरा क्वाड्रेटिक का लुक आ रहा है क्वाड्रेटिक में तो हाईएस्ट पावर बेटा स्क्वायर होती है बट ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में क्लोज हो सकता है तो इसकी हम बात करते हैं अभी पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं वाई डी वाई बहुत कंसेंट्रेशन के साथ आपने सुनना है वाई फोर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई में जरा के डिवाइड होगा वाई फोर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स ये डी एक्स उधर जाएगा अच्छा अब दोनों साइड पर इंटीग्रल ले, ले लेते हैं हमेशा की तरह यहां पर लिख लेंगे टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स पर इंटीग्रल लेंगे ये दिया इंटीग्रल वाई डी वाई अपॉन वाई फोर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस, प्लस वन क्वल टू एक्स डी इसके साथ भी इंटीग्रल ठीक है अच्छा आप देखो इसमें हम ये कर सकते हैं क्या एलसीएम ब्रेक कर लें क्या ऐसा पॉसिबल है जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा क्या यहां पर एलसीएम ब्रेक हो सकता है नहीं हो सकता बेटा एलसीएम जब ब्रेक होता है जब नोमिनेटर में वैल्यूज प्लस माइनस हो रही हो और नीचे आपके पास एक वैल्यू लिखी हुई हो डिनोमिनेटर में लेकिन यहाँ पर उल्टा है ऊपर एक वैल्यू है और डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा वैल्यू है तो आप क्या करें आप दूसरा तरीका देखते हैं जरा गौर से देखिएगा वाई डी वाई अपॉन ये वाई फोर लिखा हुआ है बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर ये फॉर्म क्या बन रही है ए स्क्वायर फॉर्मूला आपने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मैं इसको इस फॉर्मूले के अंदर बन करना चाह रहा हूं तो ए स्क्वायर क्या आ गया ए की जगह आ गया वाई स्क्वायर तो यहां पर भी क्या आएगा वाई स्क्वायर अब बताओ टू वाई स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें जो टू वाई स्क्वायर बने ऑब्वियसली वन से तो यहां पर भी वन लिखेंगे अब जरा बैलेंस कर लो यही आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई फोर Square और मल्टीप्लाई okay, का ठीक ठीक है? है है. है? ये ये बन बन रहा रहा आपके पास. किसके बराबर होता है आप खुद ही बताएंगे a square plus a b plus b square. बराबर होता है किसके बिल्कुल द स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है उसमें बंद कर देंगे Equal टू इंटीग्रल वाई डी वाई अपॉन किसमें वन होगा ये वाई स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एक्स सही है सॉरी मैंने यहाँ टू लिख दिया अब इसको उठाकर ऊपर ले जाएंगे वाई स्क्वायर प्लस वन की पावर ये प्लस टू पर आके माइनस टू हो गया और वाई डी equal टू इंटीग्रल एक्स डी एक्स ठीक है पावर को छुपाकर अंडर पावर का डेरिवेटिव लेंगे जब पावर को छुपाएंगे और अंडर पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो अंडर पावर में आपके पास मौजूद है वाई स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आएगा यस टू वाय क्या बराबर में टू वाय मौजूद है नहीं टू मौजूद नहीं है टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करेंगे तो यहां पर मैंने किया टू से डिवाइड और ये मैंने किया टू से मल्टीप्लाई ठीक है डेरिवेटिव बनाने के लिए और बाकी ऐसे ही रहा आपके पास वाई डी वाई इंटीग्रल एक्स डी एक्स ठीक है अब ये देखे होल पावर के अंडर वाले का डेरिवेटिव टू वाई बराबर में मिल रहा है तो इसकी पावर में प्लस वन प्लस वन कर देंगे ठीक है हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग और ये आपके पास वन अपॉन टू ऐसे ही रहेगा पावर में प्लस वन प्लस वन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस टू है वाई स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस टू इसमें भी प्लस वन और नीचे भी माइनस टू प्लस वन लिखेंगे इक्वल टू एक्स का इंटीग्रल क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू ठीक है अच्छा जी प्लस का सी वन अपॉइंट टू

ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर वन अब ये जो इक्वेशन नंबर वन है इसके अंदर हम एक्स और वाई पुट करके सी निकालेंगे बेटा यहां तक सबको बात क्लियर है फॉर्मूले में कैसे बन हुआ किस तरह से इसको हमने खोला है इंटीग्रेट जब किया है यहां तक अगर किसी को कोई इश्यू है तो अभी पूछ लें आगे बढ़ने से पहले उसके बाद फिर मैं c की वैल्यू कैलकुलेट करवाऊंगा आपको जी बेटा सही है ओके एनी प्रॉब्लम ठीक है बेटा x और y पुट करते हैं आप फॉर c पुटिंग x इक्वल टू एक्स की जगह माइनस थ्री है ना और y की जगह वन x की जगह माइनस थ्री और y की जगह वन इन इक्वेशन नंबर वन माइनस वन अपॉइंट टू माइनस वन अपॉइन टू वाई स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर प्लस वन का मतलब वन वन स्क्वायर प्लस ठीक है अपॉन टू प्लस सी माइनस थ्री का स्क्वायर अपॉन टू प्लस का सी माइनस वन अपॉइंट टू वन का स्क्वायर वन है वन प्लस वन टू क्वल टू थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन अपॉइंट टू इक्वल टू सी टू और फोर का एलसीएम लेंगे क्या आएगा टू और फोर का एलसीएम फोर ठीक है फोर को फोर से डिवाइड कर होगा माइनस वन बेटा फिर माइनस फोर को टू से डिवाइड करना है, टू आएगा टू नाइन इक्वल टू सी एटीन और वन कितना हो जाएगा नाइनटीन दैट मीन सी आपके पास माइनस नाइनटीन अपॉन फोर हो गया इस सी को उठाकर पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन में तो हम यहां पर लिखेंगे नाउ इक्वेशन वन बिकम्स इक्वेशन वन अब क्या हो जाएगी आपके पास माइनस वन अपॉन टू वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन

क्या ख्याल है बेटा आगे सॉल्व करेंगे क्या बिल्कुल करेंगे बिल्कुल करेंगे बेटा यस yes, सही कह रहे हैं आप लोग माइनस वन अपॉइंट टू वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू मैं अभी आपका आंसर देता हूं रुखसार दो मिनट दें मुझे बस टू और फोर का एल्सियम क्या आया फोर ठीक है 4. अब फोर को टू से डिवाइड कर ले टू बचेगा ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइनटीन ऐसा ही होगा ये टू और टू जा तो क्या बच रहा है माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू यहां बच रहा है टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइनटीन अपॉन टू ठीक है यह आपका आंसर हो गया अच्छा आपने जो कहा है मैं आपका जवाब दे देता हूं कौन सा क्वेश्चन है हमारा ट्वेंटी टू मैं चेक करता हूं एक मिनट रुके अच्छा इनका कहना है कि सी की वैल्यू प्लस नाइनटीन अपॉइंट टू आ रही है और हमारी आ रही है माइनस नाइनटीन अपॉइंट टू तो बेटा बुक में जो आंसर लिखा हुआ है मैं वो आंसर यहां लिख देता हूं बुक का आंसर ये है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है बुक वाला आंसर सही है आप सब देखकर जरा बता दें ये आंसर क्यों आ रहा है बुक में अगर मैं अपने आंसर को मैं अपने आंसर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड्स पर तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन और जब मैं यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो एक्स वाली वैल्यू है वो माइनस में चली जाएगी और नाइनटीन प्लस में चला जाएगा तो यही चीज आ जाएगी मेरे पास फिर माइनस मल्टीप्लाई हुआ हुआ है सिर्फ और हमने यहाँ एलसीएम भी ले लिया है उन्होंने एलसीएम भी नहीं लिया है तो ये डिफरेंसेस है बेटा बस ठीक है समझ में आ गई बात जी बच्चे ओके चले ज़रा इसको आप कैप्चर कर लें Next page. <laughs> Next. 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 नेक्स्ट, लास्ट अच्छा ट्वेंटी टू हुआ है ये अभी ट्वेंटी थ्री आपका होमवर्क है ट्वेंटी आपका होमवर्क था और ट्वेंटी थ्री भी आपका होमवर्क है ट्वेंटी और ट्वेंटी थ्री आपने करने हैं मैं आ रहा हूं ट्वेंटी फोर पर बेटा और ट्वेंटी फोर भी, एक बहुत अच्छा सवाल है ट्वेंटी फोर डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू रूट और रूट के अंदर डब्ल्यू जेड माइनस टू डब्ल्यू माइनस थ्री जैड प्लस सिक्स रुखसार कल कर डिस्कस करेंगे इसको। जब सबने कर लिया होगा ना तो फिर मे भी सेम प्रॉब्लम हो तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे चले जी सवाल उतारते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। व्हाट्स स्पेशल इन इट क्या स्पेशल है डब्ल्यू जेड माइनस टू डब्ल्यू माइनस थ्री जेड प्लस सिक्स क्या चीज डिफरेंट नजर आ रही है इस सवाल में आपको जी बेटा व्हाट्स डिफरेंट अच्छा डब्ल्यू और जेड साथ हैं ओके और ठीक है इसमें ऐसा ही है W और Z मिक्स हुए हैं एक साथ हैं बिल्कुल रूट के अंदर है तो क्या करेंगे अब जरा और कीजिएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू रूट बट अगर गौर करें स्टार्ट वाली टू वैल्यूज पर तो डब्ल्यू जेड माइनस टू डब्ल्यू लिखा हुआ है यानी इन दोनों में W कॉमन है तो W हमने कॉमन निकाल लिया अंदर क्या बचेगा Z डब्ल्यू कॉमन निकाल लिया बचा जेड माइनस टू इन दोनों में से माइनस थ्री कॉमन निकालेंगे माइनस थ्री कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा जेड माइनस टू अब जब ये हमने कॉमन निकाले माइनस थ्री और डब्ल्यू तो हमारे पास अब ये जो दो टर्म्स है इसमें जेड माइनस टू कॉमन आ रहा है ठीक है जेड माइनस टू कॉमन डी डब्ल्यू अपॉन डी जैड इक्वल टू अंडर रूट रूट के अंदर आप देखें तो यहां पर दोनों में z माइनस टू कॉमन है ये z माइनस टू हमने यहां लिख दिया z माइनस टू कॉमन है और क्या बचेगा w माइनस थ्री डब्ल्यू माइनस थ्री ठीक है अच्छा अब ये जो छत है यानी कि जो रूट है ये रूट दोनों ब्रैकेट्स पर है तो दोनों पे अलग अलग लिख देंगे डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू रूट जेड माइनस टू और रूट डब्ल्यू w minus three d w -3. DW ऐसे ही रहा ये root w minus three इधर आएगा इधर आके हो जाएगा root w minus three यहाँ मौजूद है root z minus two ये d z इधर आके multiply हो जाएगा ठीक है अच्छा अब देखें दोनों तरफ हम ले रहे हैं इंटीग्रल हमेशा की तरह लाजिम है वो तो लेना तो टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स पर इंटीग्रल लेंगे डी डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट डब्ल्यू माइनस थ्री इक्वल टू इंटीग्रल रूट जेड माइनस टू जेड माइनस टू डी जेड ठीक है अच्छा अब ये जो रूट है इस रूट को चेंज करेंगे पावर हाफ के अंदर इंटीग्रल डी डब्ल्यू अपॉन ये हो जाएगा डब्ल्यू माइनस थ्री की पावर हाफ इक्वल टू इंटीग्रल ये रूट हटेगा और रूट बराबर है पावर हाफ के डी जेड ठीक है अब क्या करने वाले डब्ल्यू माइनस थ्री की पावर हाफ जो है इसको उठाकर ऊपर लेके जाएंगे ऊपर जाके इसकी पावर माइनस में हो जाएगी लिख लेंगे इंटीग्रल ये डब्ल्यू माइनस थ्री की पावर माइनस साफ हो जाएगी डब्ल्यू माइनस थ्री की पावर माइनस साफ और डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रल जेड माइनस टू की पावर हाफ डी जेड ठीक है आ इंटीग्रेट करते हैं इसको इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग क्या करेंगे बेटा इसका होल पावर के अंडर वाले का डेरिवेटिव चेक करेंगे ना तो बताएं अगर चेक करेंगे तो मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ओके okay. क्या है डेरिवेटिव आपके पास वन है बिल्कुल सही है तो वन है दैट मीन मौजूद है डेरिवेटिव तो पावर में प्लस वन प्लस वन कर देंगे दोनों की लेफ्ट पर भी राइट right पर भी लिखेंगे डब्ल्यू माइनस थ्री की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन इक्वल टू और यहां पर भी पावर में प्लस वन करेंगे जेड माइनस टू की पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन प्लस का सी ठीक है डब्ल्यू माइनस थ्री की पावर क्या हो जाएगी वन माइनस साफ हाफ के बराबर और नीचे भी वन माइनस साफ हाफ के बराबर फिर जेड माइनस टू की पावर क्या हो जाएगी हाफ प्लस वन आपको पता है थ्री अट टू होता है नीचे भी क्या आ जाएगा थ्री अब टू प्लस का सी ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो वन अब टू टू बन जाएगा वन पॉइंट टू बन गया टू और इसकी पावर हाफ हटा के रूट रूट में डब्ल्यू माइनस थ्री रूट में डब्ल्यू माइनस थ्री इक्वल टू थ्री अपॉइंट टू क्या बन जाएगा ऊपर आके टू अपॉइंट थ्री टू अपॉइंट थ्री ठीक है और जेड माइनस टू की पावर थ्री अपॉइंट टू हो जाएगा जेड माइनस टू की पावर थ्री अपॉइंट टू प्लस सी सही है ये क्वेश्चन नंबर वन हो गई आपकी सही है भाई अच्छा अब क्या करेंगे सी निकालेंगे और सी निकालने के लिए वही डब्ल्यू और जेड इसके अंदर हम पुट करेंगे ठीक है तो आइए पुट करते हैं फॉर सी सी के लिए पुटिंग डब्ल्यू एंड जेड डब्ल्यू इक्वल टू क्या है डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू ट्वेल्व और जेड सिक्स डब्ल्यू ट्वेल्व एंड जेड सिक्स इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर वन में w और जेड पुट कर रहे हैं तो टू अंडर रूट डब्ल्यू की जगह ट्वेल्व माइनस थ्री टू टू अपॉन जेड की जगह माइनस टू थ्री अपॉन टू प्लस का सी टू अंडर रूट ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन के बराबर टू अपॉन थ्री सिक्स माइनस टू फोर की पावर थ्री अपॉन टू प्लस सी ये टू ऐसे ही रहा आपके पास रूट नाइन किसके बराबर होता है थ्री के ठीक है इक्वल टू टू अपॉन थ्री और उसके बाद फोर है तो बेटा फोर को ब्रेक कर लेंगे टू के स्क्वायर में ये होगा टू का स्क्वायर और ऊपर क्या लगा हुआ है थ्री अपॉन टू प्लस का सी ठीक है प्लस का सी टू थ्री दिक्स इक्वल टू टू अपॉन थ्री ये टू से टू कैंसिल टू का क्यूब किसके बराबर एट प्लस सी सिक्स का सी प्लस का हो जाएगा थ्री और वन का एलसीएम थ्री आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा थ्री सिक्स माइनस वन सिक्सटीन सिक्सटीन इक्वल टू सी एटीन माइनस सिक्स इसके बराबर हुआ सिक्सटीन टू के बराबर तो सी आ गया टू अपॉन थ्री ठीक है ये सी आ गया टू अपॉन थ्री अब हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन वन बिकम्स नाउ इक्वेशन वन बिकम्स इक्वेशन वन हमारी क्या हो जाएगी टू रूट डब्ल्यू माइनस थ्री टू रूट डब्ल्यू माइनस थ्री क्वल टू टू अपॉन थ्री और z माइनस टू की पावर थ्री अपॉन टू z माइनस टू की पावर थ्री अपॉन टू और प्लस का c तो c आपके पास है टू अपॉन थ्री यही आया है ना क्या करें आगे करें इसको कुछ या छोड़ दें यहां पर जी बेटा आगे करेंगे या नहीं करेंगे इसको एलसीएम निकालने की जरूरत है या डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल एलसीयम निकालने की जरूरत ही नहीं है टू अपॉइंट थ्री टू अपॉइंट थ्री कॉमन आ रहा है दोनों में इसको कॉमन निकालेंगे टू रूट डब्ल्यू माइनस थ्री हां बट अगर कर ले तो अच्छी बात है टू अपॉइंट थ्री कॉमन निकाला अंदर क्या बचेगा z माइनस टू की पावर थ्री अपॉन टू प्लस ये कॉमन आ गया वन बचेगा ठीक है ये आपका आंसर हो गया सही है चले देख लें इसको कैप्चर करें ये एक्सरसाइज अपने अख्ताम को पहुंच रही है मैं आखिरी सवाल डिस्कस कर रहा हूँ उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर टेन है जो छुड़वाया था वो हम कल कर डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी टाइम की कमी है और इसमें यह है कि अभी मैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव आपसे डिस्कस करूंगा टू कैंसिल होगा बिल्कुल बिल्कुल होगा मैंने किया नहीं है वहां पर कर लीजिएगा अभी कर देते हैं जी देख लें Next. Next. Next page. Next. ओके okay, बेटा 25 का थोड़ा सा मैं टच देता हूं आपको और उसके बाद फिर आप वो खुद ही कीजिएगा दो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैं दे चुका हूं करने के लिए क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 में 2 प्लस टू वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई टू इक्वल टू वन अच्छा जनाब अब मतलब क्या है इसका इसका मतलब आपको साफ पता है वाई वन के बराबर है एक्स टू के बराबर है ठीक है सवाल में सबसे पहले मैं इसको उतारता हूं टू प्लस टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ करने हैं हमें तो क्या कर रहे हैं हम टू वाय डी वाई अपॉन डी एक्स को बेटा तो टू हो गया क्यों लेकर आए राइट right पर लेफ्ट पे क्यों नहीं रहने दिया जब राइट right पर लेकर आएंगे तो राइट right पर पहले से एक कॉन्स्टेंट मौजूद है उसके साथ ये सॉल्व होकर कुछ ना कुछ हमें देगा तो वन माइनस टू किसके बराबर हो रहा है माइनस वन के हम लिखेंगे टू वायन डी एक्स टू वायन डी ही रहेगा 3x अच्छा 1 -2 किसके बराबर माइनस वन के बराबर ठीक है अच्छा अब देखें टू dy ऐसे ही रहा dx उधर जाएगा उधर जाके क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स दोनों तरफ इंटीग्रल लेते हैं टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स पर इंटीग्रल देंगे इंटीग्रल टू आई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स सही है टू कॉन्स्टेंट है बेटा इसको बाहर निकाल देंगे आपको पता है ठीक है तो मैं इसको बाहर निकालता हूं टू इंटीग्रल क्या बचेगा वाई डी वाई इक्वल टू यहाँ पर दो टर्म्स आ रही है बेटा थ्री एक्स स्क्वायर भी और माइनस वन भी ठीक है अलग अलग कर देंगे इंटीग्रल थ्री एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस इंटीग्रल वन डी एक्स मुझे लगता है अब इसके आगे से आप कर सकते हैं क्या ख्याल है इंटीग्रेट करना है फिर बाद में सी की वैल्यू निकाल के फुट करनी होगी तो उसको आप कंप्लीट कीजिएगा ट्वेंटी फाइव को ट्वेंटी और ट्वेंटी थ्री आपको करने के लिए दिया हुआ है वो पूरा पूरा आपने करना है और ये ट्वेंटी फाइव आपने कंप्लीट करना है बताएं कर लेंगे ठीक है बेटा हो जाएगा ये कल पूछूंगा मैं सबसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर मुझे बताएंगे और इसी तरह आगे बढ़ते रहें रहे प्रैक्टिस करते रहें बाकी बात आपसे कल होगी इसको जरा कॉपी कर लें मेरा मतलब है ये कैप्चर करना है तो कर लें जितना मैंने इसको करवाया है और टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक ठीक है बच्चा नेक्स्ट पेज देख लो ये ओके एनी क्वेश्चन बेटा रिगार्डिंग टू डे लेक्चर ओके जनाब तो यहां पर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं बेटा कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पर और कल हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कल एक नई एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे हाँ <laughs> हाँ बिल्कुल जोया सही कहा आपने ऐसा ही है ठीक है ओके जी अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज